दोस्तों आइसक्रीम तो आपने हज़ारों बार बनाई होगी, लेकिन एक बार मैंगो आइसक्रीम मेरे तरीके से बना के देखिए। आपको ये रेसिपी बहुत इजी लगेगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आम से हम पूरे परिवार के लिए ठंडी ठंडी और टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोमा। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आम। मैंने यहाँ पर एक आम लिया है और एक आम से ही हम पूरे फैमिली के लिए मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर के छिलके को यूँ हटा देंगे। इसके ऊपर के छिलके को छीलकर हटा देना है और अब हम इसके सारे पल्प को काटकर अलग कर लेंगे गुठली से। सारे पल्प को गुठली से अलग कर लेना है और अब इस पल्प को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सारे पल्प को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। सारे पल्प को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने और अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 6 चम्मच चीनी। अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। तो हम इसमें डालेंगे 6 चम्मच चीनी और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम के लगभग मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप अच्छी क्वालिटी का लें। और अब हम इसमें डालेंगे उबालकर ठंडी की हुई 1 कप दूध। और अब हम इसमें डालेंगे डेली यूज़ में जो हम दूध लेते हैं उसकी मलाई। इन सभी चीज़ों को डाल देंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका, बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंगो पल्प या रेसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अब हम लेंगे एक कंटेनर। मैंने यहाँ पर केक टिन लिया है, इसे अच्छे से बटर से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक का भी कंटेनर ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे बटर पेपर और बटर पेपर को भी अच्छे से बटर से ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो बटर पेपर के बिना भी इसे बना सकते हैं, लेकिन बटर पेपर लगाने से क्या होता है, जब हम आइसक्रीम को डिमोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही इजीली बर्तन से बाहर आ जाएगा। और अब हम बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे बैटर को इसमें डाल देंगे और अब हम इसे हल्का हल्का टैप करेंगे। हल्का हल्का इसे टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हो वो सारे निकल जाए। अच्छे से इसे टैप कर देना है और अब हम एल्युमिनियम फॉइल से इसे ऊपर से बंद कर देंगे ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना बने। अच्छी तरह से इसे एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर देंगे और अब हम इसे 6 से 7 घंटों के लिए डीप फ्रीज़र में डालकर छोड़ देंगे। अगर आप इस बैटर को शाम में रेडी करते हैं तो आप इसे पूरी रात के लिए भी डीप फ्रीज़र में डालकर छोड़ दें। आइसक्रीम को अच्छे से जमने में इतना टाइम लग जाता है, तो 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो अब हम एल्युमिनियम फॉइल को हटाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम कितने अच्छे से जमी है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है इसके ऊपर। और अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में पलट देंगे और पलटने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे प्लेट में। 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही इजीली बर्तन से बाहर आ जाएगा। और अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप ड्राई फ्रूट के बिना भी इसे खा सकते हैं और इसके ऊपर हम चॉकलेट की ग्रेडिंग करेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी टेस्टी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंगो आइसक्रीम बनाना कितना आसान है आपने देखा ना। एक मैंगो से कैसे पूरे परिवार के लिए मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाया है और अब आप इसे किसी भी शेप में काट लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा टेक्स्चर आया है। तो एक बार मैंगो आइसक्रीम मेरे तरीके से बना के देखिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।